एम्फोसिस जहां पर रखेंगे नजर, और देखते हैं आज कैसा एक्शन इसमें बनेगा। बजाज फाइनेंस, एक बार मेहुल जी से इसके चार्ट पर राय लेते हैं। मेहुल जी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के डिटेल्स सामने आ गए हैं। अब 7,000 करोड़ का ये इशू होने वाला है और इस पर सबकी नजर है। आई थिंक 3,000 करोड़ का इसमें ऑफर फॉर सेल भी रहेगा बजाज फाइनेंस की तरफ से। क्या रहा है इस चार्ट पे सर? दीपांशु, देखिए बजाज फाइनेंस की बात करें तो ऑलरेडी ये दोनों ही काउंटर फेंसा और फाइनेंस दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, बट यहाँ पर बजाज फाइनेंस एक रेजिस्टेंस के पास है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, मेजर वाला है 7400 के आसपास का वो रेजिस्टेंस है और अभी हमारा क्लोजिंग तकरीबन 7200 के आसपास का है। तो यहाँ पर जब भी 7400 निकलता है एक मेजर ब्रेकआउट आएगा, शायद उसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी कंफर्मेशन आ जाएगा, तब वहां पर एक बड़े टारगेट्स के लिए ओपन हो जाएगा। और इनफैक्ट ऑल टाइम हाई का जो उसका लेवल है तकरीबन 8200 के आसपास का, वहां तक के टारगेट्स निकल के आते हैं। तो फिलहाल इसको वेट एंड वॉच करना चाहिए, 7400 के ऊपर एक बहुत ही मेजर ब्रेकआउट आएगा तब वहां पर एग्रेसिव बाई कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 8200 टू 8300, यहाँ पर वेट एंड वॉच है। ऑलराइट, ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस, यहाँ पर वेट एंड वॉच करिए, देखते हैं कैसा एक्शन आज